नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील डोगरा। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि आज चैम्बर की तरफ से जम्मू बंद की कॉल जो है वो दी गई थी, उसी प्रकार इस वक्त हम आपको ले आए हैं विनायक बाजार में और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि दो दिन पहले भी मीटिंग बैठकें जो है वो हो रही है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, उसी को लेकर आज जम्मू बंद की कॉल दी गई थी और इस वक्त आपको नजारा जो है वो तस्वीरों दिखाते हैं डेली द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से। गगन तस्वीरें दिखा दे आपको, मार्केट का नजारा आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से मार्केट जो है वो पूरी बंद है। तस्वीरें आपको दिखाते चले, यहाँ पे देखे तस्वीरें और वहीं पे आपको बताते चले कि आज चैम्बर की तरफ से बंद की कॉल दी गई थी। उसी के साथ आपको बताते चले जम्मू में कोई भी चक्का जो है वो जाम नहीं है। जम्मू में आज कितना असर है चैम्बर की कॉल दी गई थी जम्मू बंद को लेकर, तमाम दुकानें भी बंद दिखाई दे रही हैं आपको। आपको बताते चले कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आज इन दुकानों को बंद किया गया है। वहीं पे बताते चले कि चक्का जाम की बात की जा रही थी, वो चक्का जाम की तो जी देखिएगा, मेटाडोर्स भी यहाँ पे चल रही है। कुछ लोगों को ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, कॉल्स भी कर रहे हैं कि क्या आज चक्का जाम रहेगा। वहीं पे आपको दिखाते हैं कि ट्रांसपोर्ट की तरफ से कोई भी, यानी कि यूं कह ले कि चक्का जो है वो जाम नहीं है। वहीं पे आपको बताते चले कि चैम्बर की तरफ से आपको बताते चले कि कॉल बंद की दी गई थी। वहीं पे विनायक बाजार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और चहल पहल आपको दिखाई दे रहे हैं। लोग प्राइवेट अपनी गाड़ियों पे, टू व्हीलर की बात करें, फोर व्हीलर की बात करें, वहीं पे सामने स्टैंड में दिखा दे गगन, मेटाडोर्स भी यहाँ पे रुकी हैं, सवारियां भी बैठ रही हैं, लोग आवाजाही कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और मार्केट की तस्वीरें आपको दिखाते हुए और यहाँ पे जो चहल पहल दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की तरफ से वो बंद नहीं है और गाड़ियां जो है, यानी कि मेटाडोर जो है वो चल रही हैं। चैम्बर की बात करें तो आपको बताते चले उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेके दुकानें बंद की गई, यानी कि जम्मू बंद किया गया था। वहीं पे ट्रांसपोर्ट की बात करें, उनके प्रेसिडेंट की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन आपको मैंने कल भी बताया था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं कर रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कहीं ना कहीं सहमत है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो डिसीजन लिया गया है, लेकिन हम इसमें सहमत नहीं देंगे कि हमें प्राइवेट यानी कि ट्रांसपोर्ट को हड़ताल करनी पड़ेगी, आज बंद करनी पड़ेगी। वहीं पर देखिएगा मेटाडोर्स में लोग भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। इस वक्त विजुअल्स आपको डेली द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से गगन एक बार दिखा दे, और आज कौन कौन सी दुकानें खुली है वो दिखा दे। सब्जी वाली खुली है और मेडिकल वाली खुली है। कोई भी आपको किसी प्रकार की दवाई चाहिए हो तो सब्जी वाली देख सकते हैं यहाँ पे खुली है। किराने की खुली हुई है, बिजली की खुली हुई है, यही दुकानें जो है वो खुली है। अगर आप किसी प्रकार का सामान लेना है तो सामने तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रूट वाली शॉप भी खुली है, तो ये सब दुकानें आपको आज खुली मिलेगी। किराने वाली कोई भी सामान खाने पीने वाला चाहिए वो भी आपको खुला मिलेगा। तो वहीं पे ये तस्वीरें देखिएगा, किराना शॉप्स दिखा दें वो भी ओपन है। और वहीं पे फिर से मैं आपको बताते चलूं मेटाडोर्स, वो देखिएगा कितनी मेटाडोर्स आ रही हैं, यानी कि आपको बताते चले कि आज चक्का जाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, चक्का जाम नहीं है। वहीं पे मार्केट जो है वो बंद दिखाई देगी, कौन कौन सी दुकानें खुली होगी जो कि हमने आपको तस्वीरें जो है बताई। और मैं फिर से बताते चलूं जम्मू बंद की कॉल जो है वो दी गई है, लेकिन साफ तौर पर ये बताते चलूं आज चक्का बंद नहीं है, यानी कि ट्रांसपोर्ट की तरफ से पूरी की पूरी मेटाडोर जो है वो देखिएगा ये यहाँ से चल रही है। और कितनी चहल पहल है जो कि तस्वीरें आपको विनायक बाजार की तरफ से दिखा रहे हैं। यही रोड जो है ऊपर शालामार को जाती है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि बाहर का माहौल क्या है, बाहर का किस तरह से है, तो हम आपको डेली द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं चहल पहल। लोग जो है कहीं ना कहीं घरों से बाहर भी आए हैं, दुकानदार जो है दुकानें बंद है लेकिन दुकानों के बाहर आके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आस होगी कि शायद मार्केट कब खुल जाए तो हमें जल्द से जल्द खोलनी पड़े। तो ये तस्वीरें आपको डेली द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो फिर से बताते चलो कि चैम्बर की तरफ से कॉल दी गई थी जम्मू बंद, तो जम्मू वाकई बंद है। अब हम एक रिपोर्टिंग में वो भी दिखाएंगे कौन कौन सी दुकानें खुली है, कितनी मार्केट बंद है। हम पूरी कोशिश करेंगे विजिट करने की अलग अलग एरियाज में, आपको एक दो घंटे में वो भी रिपोर्ट दिखाएंगे किस किस ने साथ दिया,
क्योंकि ये मसला था प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है वो नहीं लगना चाहिए, उसी को लेके इन्होंने आज जम्मू बंद की कॉल दी गई। वहीं पे ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भी चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए, लेकिन हम जो है ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जो है वो नहीं करें, क्योंकि जितनी भी बैठकें हुई है हमें उसमें नहीं बिठाया गया, इसलिए हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हमने हड़ताल जो है वो नहीं की। गाड़ियां जो है वो चल रही है, दुकानें जो है यहाँ पे कुछ बंद है, लेकिन कुछ दुकानें जो है हमने जब विजिट किया कुछ दुकानें आज भी खुली हुई हैं, और हम शाम तक रिपोर्टिंग करके बताएंगे कौन कौन सी दुकानें बंद है, कितनी दुकानें आज खुली है, यानी कि कितनों ने साथ दिया प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे को लेकर, कितनों ने साथ नहीं दिया। साफ तौर पर बात तो यही सामने आती है। तब तक के लिए देखते रहिएगा दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दी जा गया नमस्कार।